अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों ने एक भाजपा नेता के आवास पर गोलियां चलाई, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा नेता अनवर अहमद खान सुरक्षित हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने गुरुवार सुबह शहर के बाहरी इलाके में अरिगाम नौगाम में अनवर अहमद खान के आवास पर बनी सुरक्षा चौकी पर गोलियां चलाई। गोलीबारी में कांस्टेबल रमीज राजा घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी को तत्काल शहर के SMHS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर नजीर चौधरी ने बताया कि पुलिसकर्मी को जब अस्पताल लाया गया तो उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इस हमले को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से फरार होते समय आतंकवादी सुरक्षा कर्मी की राइफल भी अपने साथ ले गए हैं। आतंकवादियों की तलाश के लिए अरिबाग में पुलिस व सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस घटना के बारे में पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आतंकवादियों ने भाजपा नेता अनवर अहमद खान के घर पर अचानक हमला कर दिया और घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन घर के बाहर बनी पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी रमीज राजा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इस दौरान वह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमले के समय भाजपा नेता अनवर घर पर मौजूद नहीं थे। अनवर अहमद खान बारामूला के लिए पार्टी के जिला महासचिव तथा कुपवाड़ा जिले के प्रभारी हैं। भाजपा के मीडिया प्रभारी मंजूर भट्ट ने कहा है कि पार्टी की कश्मीर इकाई इस हमले की कड़ी निंदा करती है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में यह दूसरा बड़ा राजनीतिक हमला है। इससे पहले सोमवार को सोपोर में आतंकवादियों के हमले में 2 पार्षदों की मौत हो गई थी और पुलिस का 1 PSO शहीद हो गया था। इसके अलावा 1 अप्रैल गुरुवार से जम्मू कश्मीर में 45 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को COVID-19 रोधी टीके लगने शुरू हो गए। श्रीनगर के उपायुक्त अजाज असद ने 45 वर्ष से ऊपर के सभी पात्र नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आगे आएं और टीकाकरण करवाएं। उन्होंने बताया कि 76 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 8 दिनों के अंदर 8,700 लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रवास अक्षी संवाददाता ने कश्मीर में टीकाकरण अभियान का जायजा लिया और वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की। आई देखते हैं यह खास रिपोर्ट। देखिए, अपील जो है वो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में थी जो कल की गई थी। आज 1 अप्रैल से पूरे ज़िला श्रीनगर में जितने लोग 45 ईयर्स और उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और तमाम हमारे जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं, जो जोन्स हैं हमारी, उनसे उनमें इस वक्त कोविड सेंटर्स में वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। मैं ये जिक्र करता चलूं कि ज़िला श्रीनगर में 76 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और 8,600 की कैपेसिटी है पर डे, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो मैं एक बार फिर मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम श्रीनगर के रहने वालों से कि जो एलिजिबल प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो वैक्सीनेशन की डोज जो है लें। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िला श्रीनगर ऑरेंज कैटेगरी में आया है, जिस जो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, और ऐसे में हमें मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है। और जब केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये अशद ज़रूरी है कि हम जो वैक्सीनेशन है उसकी डोज को लें और जो एलिजिबल ग्रुप्स हैं वो इसका पूरा वैक्सीनेशन को लगवाएं। हम जो वैक्सीनेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, पहले हमने देखा था कि जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिसमें पुलिस ऑफिशल्स थे या रेवेन्यू ऑफिशल्स थे, उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव हुई। साथ में जो 60 साल से ज़ायद उम्र के थे उनकी वैक्सीनेशन हुई, और जो 45 साल के ज़ायद उम्र वाले जिनको बाकी तकालीफ़ में वो मुबतला थे, तो अब 1 अप्रैल से ये ड्राइव जो है ये एक्सटेंड की गई है हर किसी ऐसे बंदे के लिए जिसकी एज 45 से ज़्यादा हो। तो ये एक मरहला चल रहा है, इसके बाद जब ये वाला एज ग्रुप कवर होगा तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसके बाद जो 18 से ज़ायद उम्र के हैं उनमें भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगी। और रिसर्च चल रहा है कि ये वैक्सीन
वैक्सीनेशन का क्या डोज बच्चों में भी दिया जा सकता है या कौन सा वैक्सीन दिया जा सकता है। तो अल्टीमेटली मकसद यही है कि हर कोई वैक्सीनेट हो जाए और हर कोई इस बीमारी में जो मुबतला हो सकता है, इस इन्फेक्शन में मुबतला हो सकता है, वो इस इन्फेक्शन से बचे। मेन मोटिव हमारा वही है। देर तक तो नहीं है, तो ये तो वैक्सीनेशन तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलेगी। जो पहले फॉर एग्जांपल हम जो पहले ग्रुप में आते थे एज ऑफ मोर देन 60, अभी हमने उन वो भी अभी सब लोग नहीं आए हैं वैक्सीनेट होने के लिए, तो वो उनका सिलसिला तो चल ही रहा है। सब्सिक्वेंटली हम ऐड करते जा रहे हैं, जैसे 60 साल के ज़ायद वाले थे उनका वैक्सीनेशन ड्राइव पहले चल रहा था, वो अभी चल रहा है, इसमें एडअप हो गए 45 से ज़्यादा। तो जो ही आगे ड्राइव चलती जाएगी, जो ऑलरेडी जो एलिजिबल है इस वैक्सीन के लिए उनका वैक्सीनेशन जो उन्होंने नहीं किया आज तक, उनकी ड्राइव तो कंटिन्यूसली चलती ही रहेगी। देखिए ऐसा नहीं है, ये वायरस जो है अभी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमने अभी तक यहाँ पे जितने भी सैंपल्स यहाँ से बाहर गए हैं अभी तक, जिनका भी रिपोर्ट वहाँ से शाया हुआ है, अभी तक हमने कोई म्यूटेंट स्ट्रेन यहाँ पे नहीं पाया है। लेकिन हाँ, ये वायरस जो है, ये म्यूटेंट वायरस हर किसी में इन्फेक्ट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, हर किसी इक्वली ससेप्टेबल है। हाँ, लेकिन जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसमें देखा गया है कि इनका जो इन्फेक्शस पावर है या सीवियरिटी डिजीज़ करने का पावर है वो हो सकता है ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्ट्रेन। लोग आ रहे हैं, मतलब 20-25 लोग अभी तक आ रहे हैं, मगर अभी भी आ रहे हैं, रश थोड़ा सा है, मतलब पहले से ज़्यादा रश है, मतलब पहले ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आते थे, अब थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब पहले ही 10-20 सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर थे, अब मतलब जो लोकल है वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे और बढ़ेगा, मुझे लगता है आज बहुत सारे होंगे। जैसे ना हमारे पास इस वक्त रश है कश्मीर नर्सिंग होम में, बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं। नहीं नहीं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है पहले उन्होंने खुद पे किया, मतलब जो मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, उन्होंने अपने आप पे मतलब वो जब ठीक है तो आम लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि वो भी करवाए, उनको भी कोई खतरा नहीं है, मतलब जो डायबिटिक है अब वो भी नहीं मसला है ना, 45 हम किसी को भी कर सकते हैं वैक्सीन, वो आए और कराए वैक्सीन, बस अच्छी चीज़ है, लगाना चाहिए ज़रूर, जब गवर्नमेंट ने दिया फैसिलिटी दे रखी है तो हर आदमी को इस्तेमाल करो। जी जी, देखिए ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी करना है, क्योंकि ये वैक्सीन कोविड के लिए बहुत अच्छा होता है।